माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स को खुद मिलाकर देखेंगे कि क्या आपने अपने आंसर्स सही दिए हैं या उनमें कुछ गलती हुई है। मैं आज आपको आंसर बताने जा रही हूं उस असाइनमेंट के जो कि बेस्ड थी जनरल स्टडी पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये एक तरीके से इंग्लिश की भी क्लास है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हु से थे। तो अगर हु से कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर कैसे दिया जाए ये आज हम जानेंगे, साथ ही इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें पता चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था फर्स्ट नंबर का वो क्या था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर को दिया है, कहीं कहीं कुछ कमी रही है, तो अब हम देखेंगे कि उस कमी को हम कैसे दूर करें और क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जब भी हम आंसर में हु से बनाए हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमेशा नाम आएगा, यानी कि हम किसी का नाम पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी भारत के राष्ट्रपति कौन है ऐसा हम पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर तो उनके नाम से शुरू होगा, और नाम से शुरू होगा तो मिस्टर या मिसेज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक मेल पर्सन है यानी कि मैन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिस्टर मिस्टर। अब क्या है, रामनाथ कोविंद। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि नाम का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, जैसे कि मैंने आर को कैपिटल लेटर में बनाया। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हो फिर अपने मर्जी की करते हो, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए मैं किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करने के लिए कह रही हूँ। क्वेश्चन क्योंकि हु से है इसलिए जो आंसर होगा वो किसी नाम से शुरू होगा, और नाम क्योंकि मेल पर्सन यानी कि किसी आदमी का नाम है इसलिए मिस्टर हम ज़रूर लगाएंगे उस नाम के आगे। तीसरी बात ये कि नाम के जितने भी वर्ड होंगे, जैसे कि रामनाथ कोविंद, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। तो ये तो हो गया राम, फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे लिखेंगे नाथ, ये देखिए रामनाथ कोविंद, गोविंद नहीं है बेटा, ये क्या है, कोविंद, COVIND। अब ये तो हो गया नाम के, आपसे क्वेश्चन किया गया हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपने कह दिया मिस्टर रामनाथ कोविंद। आंसर तो बेशक सही है लेकिन इस आंसर को हम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, तो उसका अच्छा तरीका ये है कि हम पूरे सेंटेंस में नाम को दें, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरे सेंटेंस में दें। तो कैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर को देंगे, नाम तो हमने लिख दिया, उसके बाद में ये जो हु के बाद का जो सेंटेंस है, देखिए कितना आसान होगा, हु के बाद का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देंगे हु को छोड़ के। तो मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द, ठीक है, तो देखिए इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब आ गए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेम तरीके से क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के आंसर को देंगे, हु की जगह प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखेंगे, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेल यानी कि एक आदमी है, लेडी नहीं है, तो इसलिए हम इस नाम के आगे क्या लिखेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र का एन कैपिटल बनाएंगे बेटा, ये देखिए, और स्पेलिंग लिख दी हमने इस तरीके से, मोदी, मोदी का एम कैपिटल होगा यहाँ पर, नरेंद्र मोदी, हु की जगह नाम लिख दिया, उसके बाद एज इट इज़ हम पूरे सेंटेंस को लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हु को हटा के फिर उसके आगे क्या है, इज द प्राइम, प्राइम का पी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि किसी पोस्ट का नाम है, जैसे कि प्रेसिडेंट का पी कैपिटल बनाया था, इंडिया का आई कैपिटल बनाया, क्योंकि
इंडिया एक देश का नाम है, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पोस्ट का नाम है, एक ऑनरेबल पोस्ट का नाम है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, प्राइम का पी कैपिटल, मिनिस्टर का एम कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल है आंसर, देखिए नाम हमें पता हो और उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है पूरे क्वेश्चन के आंसर को, कितना आसान है, हु की जगह नाम लिख दिया, उसके बाद पूरे सेंटेंस को हमने एज इट इज लिख दिया और हमारा आंसर ये पूरा कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलिएगा यहाँ पर, क्योंकि आंसर हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब अगला क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी। अब यूपी की गवर्नर सभी को पता है कौन है, तो अब देखिए क्योंकि ये एक लेडी हैं, अभी तक एक दोनों जो भी नाम लिखे थे वो जेंट्स के नाम थे, अब ये क्योंकि एक फीमेल हैं, लेडी हैं, तो हम इनके नाम के आगे क्या लिखेंगे, मिसेज लिखेंगे, मिसेज आनंदी बेन, तो आनंदी का ए है ना, इस तरह से आनंदी बेन पटेल, मिसेज आनंदी बेन पटेल, हु की जगह नाम हो गया, उसके आगे एज इट इज पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे, क्या है, इज द गवर्नर ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, और फुल स्टॉप हो गया। फिर अगला है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो आप सभी को पता है कि चीफ मिनिस्टर यूपी के कौन हैं, और इनको क्योंकि एक जेंट्स हैं इसलिए हम इनके नाम के आगे क्या लिखेंगे, मिस्टर आदित्यनाथ अब देखिए आदित्यनाथ हम एक साथ भी लिख सकते हैं, और अगर हम एक साथ लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, मिस्टर आदित्यनाथ, हाँ ये इनको एक उपाधि भी मिली हुई है, इनको एक ऑनर भी मिला हुआ है योगी नाम का, ये इस को हम नाम से पहले भी लिख सकते हैं, नाम के बाद भी लिख सकते हैं, मिस्टर आदित्यनाथ योगी इज द, अब देखिए हु की जगह नाम हो गया और इसके बाद ये एडिटिव सेंटेंस होगा, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इस तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, और इसके बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर है, हु इज डीएम एसडीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है कानपुर, तो मैं कानपुर के डीएम का नाम लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, ये भी एक जेंट्स हैं तो इसलिए मैंने इनके नाम के आगे लिखा मिस्टर, और इसके बाद इनका नाम विजय विश्वास इस डीएम इज द डीएम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर लिखा योर डिस्ट्रिक्ट मैंने, क्योंकि आपसे पूछा था, लेकिन आप जब आंसर देंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट का देंगे ना, तो योर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, डीएम ऑफ माई, योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगी, माई, थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज आएगा, योर की जगह क्या हो जाएगा, माई डिस्ट्रिक्ट, फिर हु इज द सरपंच ऑफ योर पंचायत। अब क्योंकि कोई पंचायत का इलाका नहीं है मेरा, इसलिए मैं इसको आपको क्वेश्चन का आंसर देना बताने जा रही हूँ, और उस आंसर को देखिए कैसे लिखेंगे, कोई भी जो भी होगा, मान लीजिए सरपंच होगा आपकी पंचायत का, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई मिस्टर रवि हैं जो आपके सरपंच हैं आपकी पंचायत के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
मिस्टर रवि इज द सरपंच ऑफ, अब क्योंकि आप अपनी पंचायत या मैं अपनी पंचायत को बताने जा रही हूँ, इसलिए सरपंच ऑफ माई, योर की जगह ये जो योर लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे माई पंचायत। फिर नेक्स्ट है हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो अब क्योंकि आपकी स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो लेडी हैं एक, तो आप उनके नाम के आगे क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे मिसेस, फिर उनका नाम आप लिखेंगे मिसेस उरूसा, फिर रिजवान, तो रिजवान का देखिए आर भी कैपिटल बनेगा इस तरीके से, उरूसा रिजवान इज दी, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ, फिर योर स्कूल यानी आपके स्कूल का कोई पूछ रहा है, जब आप आंसर देंगे तो अब आप किससे देंगे, योर को किस में चेंज करेंगे, माई में, इस तरह से माई स्कूल। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर, और मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि इन आंसर्स को आपको इंग्लिश की छोटी छोटी किन बातों को ध्यान में रख के देना है। अब आप लोग इन आंसर्स को अपने आंसर से मिला के देखिएगा और देखिएगा कि आपने कहाँ पर कौन सी गलती की हुई है, कहाँ पर नाम को आपने पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिया है या अगला वर्ड जो है नाम का वो स्मॉल में लिखा है, तो आप उसको सही करिएगा। ठीक है, और ठीक करके फिर से एक बार हमारे पास अपने आंसर्स का फ़ोटो खींच के भेजिएगा। थैंक यू।